अबे उस मुकदमे में भी देख लेंगे कौन सी धारा गलत लग रही है ठीक लग रही है, वो भी हम रिवाइज कर लेंगे। देखिए भाई, पहले मतलब जो है ना, मैं हमारे लोगों की ये मांग थी कि पहले उन लोगों को छुड़वाया जाए, उसके बाद जो है ना हम संस्कार करेंगे। खारिज करने की बात इनकी, क्या मुकदमे खारिज हो? खारिज होता होगा तो कर देंगे उसने भी। पीड़ित पक्ष की मांग थी वो सारी पूरी कर दी जाएंगी, 307 जैसी 19 धाराएं हैं वो हटा दी जाएंगी। इनकी जो जायज मांग है वो हमने सारी मान ली, और जो भी प्रशासन से इनके हित में बनेगा सारा काम करेंगे जी। जांच के अलावा और कोई भी मांग है? क्योंकि परिवार की स्थिति आर्थिक बहुत कमज़ोर है। देखिए माननीय कृष्ण बेदी जी से कल एक डेलीगेशन मिला था, उस डेलीगेशन के अकॉर्डिंग जो माननीय मंत्री जी को इस पीड़ित परिवार ने जो अपना पक्ष रखा था उनमें बहुत सारी मांगे जो मंत्री जी ने कहा था कि वो मांग मान ली जाएंगी और समय के अकॉर्डिंग वो दे दी जाएंगी। इनकी जो जायज मांग है वो हमने सारी मान ली, और जो भी प्रशासन से इनके हित में बनेगा सारा काम करेंगे। क्या क्या मांगे सर? अभी बात तो हुई थी सारी। नहीं सर, वो अब उस मुकदमे में भी देख लेंगे कौन सी धारा गलत लग रही है ठीक लग रही है, वो भी हम रिवाइज कर लेंगे। नहीं सर, देखने में और करने में थोड़ा फर्क है, एक तो खारिज करने की बात इनकी, क्या मुकदमे खारिज हो? खारिज होता होगा तो कर देंगे उसने भी। यार इसमें जो इसमें बोलेंगे तो अलग बात है ना, 11-13 आदमी का कमेटी का फैसला और गलत कमेटी ना, जो कमेटी की बात हो जायज बात है, इसमें फर्क है। कमेटी ने क्या क्या बात कर रखी है? 13 आदमी का कमेटी का फैसला, मीडिया क्या क्या बोलने में, पंचायत में फर्क है। सर कितने लोग हैं अंदर? अंदर कितने? 10-11। वो मामला हिसार जिले का है, हमारी फिर पुलिस यूनिट अलग है हिसार की, वो भी देखे। मैं सीधी सरफ सी बात ये है, जो जायज होगी उसको ती मानेंगे, सारी बात मानेंगे, हम इनसे बाहर नहीं है। तो के सहमति बनी है प्रशासन और आप लोगों के बीच में, मतलब कि आज बोल रहे वैधा संस्कार कराया जाएगा? जी, आज प्रशासन के आला अधिकारी DSP साहब आए थे और SHO साहब और कई साथी आए थे उनके साथ, तो प्रशासन ने आश्वासन दिलाया कि जो परिवार के जो पीड़ित पक्ष की मांग थी वो सारी पूरी कर दी जाएंगी, 307 जैसी 19 धाराएं हैं वो हटा दी जाएंगी, वो तर्क कर दी जाएंगी, अपनी इन्वेस्टिगेशन में DSP साहब ने बताया। जो मतलब प्रदर्शन के दौरान जिन पर लगी थी? जी प्रदर्शन के, हाँ जी जी, जो 10-11 साथी हमारे जो अंदर है उनके खिलाफ 307 जैसी संगीन धाराएं लगी हुई थी, DSP साहब ने आश्वासन दिया है कि जो ये धाराएं हैं इनको तर्क कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और जो मतलब रहस्यमय तरीके से मौत हुई थी विक्रम की, उस मामले में क्या होगा, जांच होगी अगर किस तरह से? जी, जो एक्सीडेंट या मर्डर का जो मामला, उसमें DSP साहब ने और जितने आला अधिकारी SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी, और उस स्तरीय जांच के दौरान जो मर्डर पाया जाता है तो मर्डर की कार्रवाई होगी, या फिर एक्सीडेंट की जो कार्रवाई होगी तो एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग मामला दर्ज किया जाएगा। जी, जांच के अलावा और कोई भी मांग है? क्योंकि परिवार की स्थिति आर्थिक बहुत कमज़ोर है। देखिए माननीय कृष्ण बेदी जी से कल एक डेलीगेशन मिला था, उस डेलीगेशन के अकॉर्डिंग जो माननीय मंत्री जी को इस पीड़ित परिवार ने जो अपना पक्ष रखा था उनमें बहुत सारी मांगे जो मंत्री जी ने कहा था कि वो मांग मान ली जाएंगी और समय के अकॉर्डिंग वो दे दी जाएंगी आर्थिक सहायता के तौर पर, जो भी उन्होंने बताया है। जी सर, आप क्या कहना चाहोगे जो यह सहमति बनी है दोनों के बीच में, मतलब प्रशासन? देखिए ये कापड़ो गांव के 36 बिरादरी के लोग थे, उसमें सभी ने अपनी सहमति जताई है, प्रशासन को बुला करके प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि भाई हम आपकी मांगे, मतलब जितनी जो आपकी मांगे कल थी वो यूँ की यूँ मांगे रहेगी। और अभी जो डेड बॉडी का संस्कार की बात आई है, संस्कार की बात ये आई है कि भाई पहले मतलब जो है ना, मैं हमारे लोगों की ये मांग थी कि पहले उन लोगों को छुड़वाया जाए, उसके बाद जो है ना हम संस्कार करेंगे। उसके बाद डेड बॉडी को देखते हुए गांव के 36 बिरादरी के लोगों ने और बाहर से जितने भी साथी आए हुए थे सभी का एक ही मानना था कि पहले इसका संस्कार किया जाए और ये देखा जाए भाई संस्कार किस तरीके से किया जाए। तो उसमें मतलब जो है ना, गाँव के 36 बिरादरी के लोगों ने ये सहमति जताई है कि भाई मतलब मौके के जो आला अधिकारी थे उनको बुला करके उनसे आश्वासन लिया गया है कि जी आप बेल एप्लीकेशन लगाओ अपनी, और ये जो धारा जो 307 लगी हुई है इसको हटा दिया जाएगा और एक या दो दिन में जमानत हो जाएगी। उसके बाद मतलब जो है ना 5 या 10 या दिन के अंदर मतलब जो है ना इस मुकदमे को खारिज किया जाएगा। और विक्रम के परिवार में कौन कौन है? पीछे मतलब शादी हुई थी, लड़के लड़की, बीवी है, 3-4 बच्चे। उस पर विक्रम पे 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, 4 बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल 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 नाजुक है, मतलब जो है ना छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा औरत है, तो मतलब उसका गुजारा बड़ी मुश्किल से है। लेकिन सरकार की तरफ से, कृष्ण बेदी जी की तरफ से आया था कि उसको जो है ना, उसकी मृतक की पत्नी को जो है ना
डिसरेट की या कोई मतलब जो होना कोई छोटी मोटी नौकरी को जो होना हम उसकी उसके लिए करेंगे। हमारे एक बोस्ती साहब है जो सफाई कर्मचारी आयोग के जो जो सदस्य हैं उन्होंने भी मतलब जो होना इस बात के लिए कहा है कि भाई हम मतलब ये सरकार से करवाएंगे जी। फिलहाल गांव कापड़ो जिला हिसार से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जो विक्रम का मामला चला है विक्रम कापड़ो का, तो उसको घर लिया गया था रात को और आज उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं जो एम्बुलेंस है इसमें रात को उसको लिया गया था और डीएसपी साहब और भी प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे थे, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो धाराएँ थी उनको हटाना है कि हम कोशिश करेंगे। तो बाइट भी हमने साथ में लगा रखी है, आप डीएसपी साहब का बयान देख सकते हैं और देख सकते हैं जो गांव कापड़ों के और भी बहुत से गांवों के लोग आए हैं और एक कमेटी बनाकर फैसला लिया है। तो अभी अंतिम संस्कार किया जाएगा और मैडम जो एसपी मैडम आसी है तो उससे भी मिला जाएगा, उससे मिलकर भी कुछ और बातें हैं वो भी करेंगे। तो आपको लगातार दिखाते रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक और जो 10 से 12 लोग गिरफ्तार है उनके ऊपर जो धाराएं लगी हुई है तो उनको हटाने के लिए भी इनकी मांग है। तो डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया कि उनको भी हटाने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ रहता है देखते रहिए।